हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप लोगों के बहुत सारे डिमांड थे स्कैनर के लिए, तो उसका वीडियो हमने बना दिया है। आई होप आप में से बहुत लोगों ने ये वीडियो को देख लिया होगा, और जिन्होंने मिस कर दिया है उनके लिए वीडियो का लिंक मैं पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। और इसमें हमने ये भी डिस्कस किया है कि आप इसको फ्री में कैसे अवेल कर सकते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा, एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा अपडेट्स ले लेते हैं हमारे पुराने स्टॉक्स का। पहला चार्ट है अल्केम लेबोरेटरीज का। ये स्टॉक को हमने वीकेंड में डिस्कस किया था और आप देख सकते हैं हमारे डिस्कशन के बाद स्टॉक में ऑलरेडी 5-6% का मूव आ गया है और हमारा पहला टारगेट भी हिट हो गया है। दूसरा देख लेते हैं, एक और स्टॉक है जाइडस लाइफ साइंस। ये स्टॉक को भी हमने शायद 2 तारीख को डिस्कस किया था और आप देख सकते हैं ये स्टॉक में भी हमारा पहला टारगेट अचीव हो गया है और ऑलमोस्ट सेकेंड टारगेट के आसपास स्टॉक पहुंच गया था, और मुझे फील हो रहा है कि शायद 1-2 दिन में ये सेकेंड टारगेट भी अचीव हो सकता है। अभी चलिए बात कर लेते हैं हमारे आज के स्टॉक्स के बारे में। आज हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स में बात करने वाले हैं जिनमें रिटेस्ट आया हुआ है। देखिए मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन है और इसी करेक्शन के वजह से हमने कुछ स्टॉक्स पहले जो डिस्कस किया था स्टॉक्स में अभी रिटेस्ट का लेवल हमको मिल रहा है, स्टॉक्स अभी हमें सपोर्ट के आसपास मिल रहे हैं। लास्ट में हम एक और स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें काफ़ी दिन से फॉल आ रहा था, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि स्टॉक में ऑलमोस्ट बॉटम आ गया है। तो स्टॉक अगर हमारे प्लानिंग के हिसाब से परफॉर्म करता है तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में 90-100% का रिटर्न मिल सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। आज का पहला स्टॉक है ITD सीमेंटेशन। ये स्टॉक को हमने ब्रेकआउट पर डिस्कशन किया था और आप देख सकते हैं स्टॉक में ऑलरेडी 8% का एक टारगेट अचीव भी हुआ था और अभी स्टॉक रिटेस्ट के लेवल पे मिल रहा है और हमने अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर लिया है यहाँ पे 355 के लेवल पे। और इस स्टॉक में मेरे पहले के जो टारगेट्स थे वो अभी इंटैक्ट हैं, एक 438 के लेवल पे 19% का और दूसरा 477 के लेवल पे 30% का, दोनों ही टारगेट इंटैक्ट हैं। दूसरा है RVNL। ये स्टॉक को भी हमने पहले डिस्कस किया था ब्रेकआउट पे, हम लोगों ने ये स्टॉक को डिस्कस किया था और इसमें हमने हाई ब्रेक होने पे थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड किया था क्योंकि पास्ट में इसके बहुत ही बड़े बड़े मूव आ रहे थे, लेकिन ब्रेकआउट के बाद वैसा कुछ बड़ा मूव आया नहीं और स्टॉक अभी रिटेस्ट के लेवल पर फिर से मिल रहा है। ये जो 268 का लेवल पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अभी स्टॉक के लिए सपोर्ट बन रहा है। अगर स्टॉक 268 के इस लेवल पर रिटेस्ट करके ऊपर जाता है, हमारे लिए 297 पे एक टारगेट, 318 पे एक टारगेट और 345 पे एक और टारगेट मिल जाएगा। लेकिन मार्केट में अगर फॉल आता है तो हो सकता है ये स्टॉक में भी फॉल आए और हो सकता है कि स्टॉक हमारा ये जो सपोर्ट लेवल है इसको रेस्पेक्ट ना करे, उस केस में स्टॉक बेयरिश हो जाएगा। एक और स्टॉक अभी रिटेस्ट लेवल पर है, वो है IRFC। ये स्टॉक को भी हमने ब्रेकआउट पर डिस्कस किया था और अभी स्टॉक फिर से रिटेस्ट कर रहा है सेम 152 के लेवल पे। अगर 152 के लेवल से स्टॉक बाउंस बैक करता है तो उस केस में हमें ये एक्सपेक्टेड टारगेट्स मिल जाएंगे और हमारा स्टॉप लॉस इंटैक्ट रहेगा। अगला स्टॉक है हुडको। ये स्टॉक को भी हमने 26 तारीख को डिस्कस किया था और उस समय स्टॉक में ब्रेकआउट आ गया था और अभी स्टॉक रिटेस्ट के लेवल पे हमें फिर से मिल रहा है। अगर स्टॉक को यहीं से बाउंस बैक मिलता है उस केस में तो हमको 13% का 245 के लेवल पे एक टारगेट और 31% का 289 के लेवल पे एक और टारगेट मिल सकता है। देखिए ये चारों ही स्टॉक्स को हमने पहले भी डिस्कस किया था और उस समय स्टॉक में ब्रेकआउट आ गया था और अभी मार्केट में जो फॉल आया है उस रीजन से ये स्टॉक्स हमें रिटेस्ट के लेवल पे मिल रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट सही परफॉर्म नहीं करता है और निफ्टी और नीचे आ जाता है, उस केस में हो सकता है कि कुछ कुछ स्टॉक्स में उसका इफेक्ट पड़े, हो सकता है स्टॉक ये सपोर्ट लेवल्स को रेस्पेक्ट ना करे। तो मैं अपना डिसीजन मार्केट कंडीशन को देख के अकॉर्डिंगली प्लान करूँगी। आपको अगर ये स्टॉक्स को प्लान करना है तो प्रॉपर एनालिसिस कर लें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से ही ये स्टॉक्स को प्लान करें। देखिए ये स्टॉक्स को मेरे डिस्कशन करने का आज एक ही रीज़न है, क्योंकि स्टॉक्स अभी सपोर्ट के लेवल पे है और ऐसा नहीं होना चाहिए अगर मार्केट यहीं से बाउंस बैक करता है तो हमें ये फील नहीं होना चाहिए कि हमने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, और ऐसा भी ना हो कि हम इन्वेस्ट कर दें और मार्केट में फॉल आ जाए और हमको ऐसा लगे कि हमने बहुत बड़ा लॉस कर दिया। तो आप अपना डिसीजन सोच समझ के मार्केट के कंडीशन को देख के अच्छे से प्लानिंग करें। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले स्टॉक की तरफ। हमारा अगला स्टॉक है जुबिलेंट फूडवर्क्स। अभी हम लोग चार्ट के वीकली टाइम फ्रेम में हैं
और आप देख सकते हैं स्टॉक में एक बहुत ही बढ़िया रैली के बाद स्टॉक अभी फॉल कर रहा है और 424 के लेवल पे अभी सपोर्ट के आसपास हमें मिल रहा है। और अगर हम नोटिस करेंगे स्टॉक ने काफ़ी बार इस लेवल पे सपोर्ट भी लिया है। फॉल के समय अगर हम स्टॉक के मूवमेंट को देखें तो स्टॉक कंटिन्यूसली लोअर लोज बनाते आ रहा था, और अगर हम नोटिस करेंगे स्टॉक में लास्ट लो को अभी और ब्रेक नहीं किया है। हाईज तो नीचे की तरफ शिफ्ट हुए हैं लेकिन लो और नीचे शिफ्ट नहीं हुआ है, इसलिए मुझे लग रहा है कि स्टॉक इस लेवल पे एक ऐसा कुछ राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाने का कोशिश कर रहा है। चलिए स्टॉक को अभी डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं एक लंबा डाउनफॉल के बाद स्टॉक ने सपोर्ट के पास एक डबल बॉटम यहाँ पे बनाया है। देखिए मैं ड्रॉ कर लेती हूँ तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर ही स्टॉक ने डबल बॉटम पैटर्न बनाया है और आज के दिन स्टॉक में जो नेकलाइन बना था पैटर्न का 468 के लेवल का, इस लेवल से स्टॉक में ब्रेकआउट भी आ गया है। अभी अगर हम थोड़ा सा वॉल्यूम को नोटिस करेंगे तो पिछले कुछ दिनों से बाइंग जब भी आ रही है उस समय वॉल्यूम ज़्यादा है और सेलिंग के समय वॉल्यूम कम हो रहा है। और अगर हम RSI को भी देखेंगे तो RSI में भी अच्छा रेंज शिफ्ट आ रहा है और ब्रेकआउट के समय 60 से ऊपर भी चला गया है। तो ये सब पॉइंट्स मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव बना रहे हैं ये स्टॉक के लिए। तो चलिए अभी देख लेते हैं स्टॉक में मेरा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म व्यू कैसा रहेगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं मेरा शॉर्ट टर्म व्यू। अगर 475 का हाई ब्रेक होता है तो शॉर्ट टर्म में मुझे 520 के लेवल पे एक टारगेट और 590 के लेवल पे एक और टारगेट मिल सकता है। उस समय मेरा स्टॉप लॉस मैं 450 के थोड़ा नीचे प्लान करूंगी। और यहाँ पे क्योंकि मेरा थोड़ा सा पोजिशनल प्लानिंग है तो मान के चलिए स्टॉक में ऐसा कुछ अपमूव आता है और स्टॉक मुझे फिर से इस लेवल पर रिटेस्ट करता हुआ मिलता है तो जब भी ये 468 के आसपास मुझे मिलेगा स्टॉक, मैं स्टॉक में एक्युमुलेट करती रहूंगी, लेकिन 468 के लेवल के आसपास ही, उसके नीचे नहीं। चलिए देख लेते हैं हमारा पोजिशनल टारगेट कैसा रहेगा। थोड़ा लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो 650 के लेवल पे एक टारगेट, 815 के लेवल पे एक और टारगेट और इवेंचुअली 915 के लेवल पे हमें एक और टारगेट मिल सकता है। अगर इसको मेजर करें तो CMP से अराउंड 90% का एक टारगेट हमें मिल रहा है, लेकिन ये मेरा पोजिशनल व्यू है तो ये अचीव होने में टाइम लग सकता है। इसमें मैं 2 से 3 साल का टाइम फ्रेम एक्सपेक्ट कर रही हूँ। देखिए ये जो 424 का लेवल है ये स्टॉक के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होता है तो स्टॉक मेरे लिए बियरिश हो जाएगा, इसलिए 420 के नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस प्लान करूंगी। तो यहाँ पे अराउंड 10% का स्टॉप लॉस तो बन रहा है लेकिन उसके सामने हमें 90% का एक टारगेट भी दिख रहा है। तो ये स्टॉक अगर मेरे प्लानिंग के हिसाब से परफॉर्म करता है तो मेरे लिए एक बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे बन रहा है। तो ये मेरी एनालिसिस है, आपको अगर अपनी प्लानिंग करनी है तो प्रॉपर एनालिसिस के साथ करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लें। मैं रोज़ ये बात आपको बार बार बोलती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी कोई भी गलत एनालिसिस से आपकी लॉस हो। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट पर लिख के ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।